अगर हम ग्रेटेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम का लिस्ट बनाएं तो एक बहुत बड़ा लिस्ट मिलेगा हम लोगों को। पर ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम सुन के लगता है एक ही मूवी होगा। नहीं, सिनेमा के 150 सालों में कुछ ऐसी मूवीज आई जिसने सिनेमा के इतिहास को बदल दिया, जिनका इन्फ्लुएंस और किसी भी मूवी से बहुत ज़्यादा था। ये मूवीज आगे जाकर सिनेमा की दुनिया में बहुत ही क्रूशियल साबित हुए और इन मूवीज़ों को ही टैग मिला टाइम टू टाइम ग्रेटेस्ट मूवी का। और आज हम इनके बारे में ही बात करेंगे और बहुत सारे सिनेमैटिक फैक्ट्स नॉलेज मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। 1941 में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे एक मूवी आई सिटीजन केन, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। डायरेक्टर ओर्सन वेलेस की यह फिल्म थी इन्फ्लुएंसिंग न्यूज़पेपर पब्लिशर चार्ल्स फिलिप्स केन के लाइफ के ऊपर, जहां केन का किरदार ओर्सन ने खुद प्ले किया। इस फिल्म ने सिनेमा को एक नई परिभाषा दी। पहली बार सिंबॉलिक आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग इस फिल्म में दिखाया गया बिल्कुल बारीकी से। फिल्म में केन की इन्फ्लुएंसिंग स्पीच को ग्रेटेस्ट मूवी स्पीच एवर भी कहा जाता है। रिलीज के समय इसको ऑडियंस पकड़ नहीं पाए। कुछ महीने बाद इसका इम्पैक्ट मूवी मेकिंग में बहुत ज़्यादा पड़ा। स्टैनली क्यूबिक, मार्टिन स्कॉर्सेसी, स्टीफन स्पिल्सबर्ग, डेविड फिंचर जैसे और भी बहुत सारे लेजेंडरी डायरेक्टर्स को इस फिल्म ने बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन दिया और पहली बार किसी फिल्म को कहा गया दावे से कि ये है द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम। Do you mind if I ask you a personal question? 1968 में रिलीज हुई स्टैनली क्यूबिक की साइंस फिक्शन फिल्म 2001 ए स्पेस ओडिसी। फिल्म में मेन लीड प्ले किया था केयर डुलेया ने। फिल्म में एक एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में 2001 को एक मिस्टीरियस लाइट के पीछे का राज ढूंढने जाते हैं। Rumors about something being dug up on the moon. इस फिल्म को कहा जाता है दुनिया की पहली कंप्लीट साइंस फिक्शन फिल्म। इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत ही यूनिक थी और एक फ्यूचर स्टोरी बैकग्राउंड पे लिखा गया था ये फिल्म। मूवी अपने टाइम से बहुत ही आगे थी और ग्राउंड ब्रेकिंग वीएफएक्स एंड सिनेमाटोग्राफी दिखाया गया था इसमें। सिनेमा हिस्ट्री में ये सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म माना जाता है। आज के दिन में भी इस फिल्म की वीएफएक्स और सिनेमैटिक वर्क को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया की ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म एवर कही जाने वाली इस फिल्म को भी क्रिटिक्स ने रिलीज के बाद ही टैग दे दिया था ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम का। Buonasera. Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? 1972, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की द गॉडफादर। फिल्म में मेथोड एक्टिंग गॉड मार्लन ब्रांडो ने मेन कैरेक्टर वीटो कोर्लियोनी और आज के दुनिया के वन ऑफ द एक्टिंग गॉड्स कहे जाने वाले एल पचिनो ने उनके बेटे माइकल कोर्लियोनी का रोल प्ले किया। मूवी शानदार किरदार, एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक सब में एक लैंडमार्क साबित हुई। इसने जेनर और मोरलाइजेशन की बाउंड्री को ब्रेक कर दिया फिल्मों में, एक नया स्क्रीन प्ले राइटिंग मेथड क्रिएट किया। फिल्म को डायरेक्टर कोपोला ने ओरिजिनल बुक के राइटर मारियो पुजो के साथ लिखा था। द गॉडफादर ने सिनेमाटोग्राफी में एक नया रिवोल्यूशन लाया, जैसे कि कैमरा के डार्क थीम में मॉब स्टार्स को और लाइट थीम में आम कैरेक्टर्स को दिखाना। ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव सिनेमाटोग्राफी मेथड क्रिएट किया। सब कुछ मिला के ये दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंसिंग फिल्म बनी। एक गैंगस्टर जनर होने के बावजूद भी ये एक पोस्ट मॉडर्न फिल्म साबित हुई और बहुत ही सारे जेनर्स और लेयर्स कैरी कर सकती थी। मार्लन ब्रांडो की वीटो कोर्लियोनी वाली एक्टिंग दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्स में से एक माना जाता है। फिल्म ने बहुत सारे दुनिया भर में अवार्ड्स जीते और ऑस्कर में बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी ये जीता और सबसे ज़्यादा रिगार्ड के साथ इसको ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम का टैग मिला। इसके 2 साल बाद 1974 में फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने
द गॉडफादर का सिक्वेल बनाया द गॉडफादर पार्ट टू, स्टोरी टेलिंग की एक और रिवोल्यूशन। यहाँ माइकल कोर्लियोनी की मॉब लाइफ और पास्ट में उसके फादर वीटो कोर्लियोनी की मॉब लाइफ का दो लेयर और डिफरेंस को एपिक स्टोरी लाइन के साथ दिखाया जाता है। और इस स्क्रीन प्ले को द ग्रेटेस्ट स्क्रीन प्ले एवर मेड बहुत क्रिटिक्स ने टैग दे दिया। वन शॉट सिनेमाटोग्राफी की ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक, मोस्ट मेमोरेबल बैकग्राउंड म्यूजिक, इसके साथ परफेक्टली वेल एक्टेड मूवी थी ये। आज के सर्वश्रेष्ठ एक्टरों में से एक कहे जाने वाले रॉबर्ट डी नीरो ने यहाँ पास्ट वीटो कोर्लियोनी का एक्टिंग करके ऑस्कर जीता था, और वीटो कोर्लियोनी एकमात्र कैरेक्टर बना जिसने दो बार ऑस्कर जीता। ऐसा दूसरी बार हुआ जब वॉकिन फिनिक्स ने जोकर के लिए ऑस्कर जीता। हर कैटेगरी में इसको बताया गया द मोस्ट वेल मेड मूवी। हर कैटेगरी में द गॉडफादर पार्ट टू को बताया गया द मोस्ट वेल मेड मूवी। सारे दुनिया भर में इसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते और इसको टैग मिला द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम का। ...1976 में आई मार्टिन स्कोरसेसी की टैक्सी ड्राइवर। रॉबर्ट डी नीरो ने यहाँ एक साइकोपैथिक वियतनाम वॉर वेटरन ट्रेविस बिगल का रोल प्ले किया। ये थी दुनिया की पहली ऐसी फिल्म जहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट इन फिल्म मेकिंग में रिवोल्यूशन हुआ। एक कैरेक्टर की प्रोस्पेक्टिव और उसके लाइफ में चेंजेस के साथ समाज में उसका बदलाव आना, कैरेक्टर बेस्ड इंटेलेक्चुअल डार्क डायरेक्शन, ब्यूटी ऑफ ब्रूटलिटी, डार्कनेस ऑफ सोसाइटीज, बहुत इंटेलेक्चुअल थॉट्स जिसके बारे में कभी सिनेमा में इतना ज़्यादा सोचा नहीं गया था। इसको दुनिया भर में बहुत सारे अवार्ड्स मिले, यहाँ तक कि कैनिस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मा डियोर का अवार्ड भी इसको मिला। कई क्रिटिक्स ने इसको ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम का टैग दे दिया और समय के साथ साथ इसको कहा जाने लगा वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। You talking to me? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. 1990 में रिलीज हुई मार्टिन स्कोरसेसी की गुडफेलास। इस फिल्म ने आर्टिस्टिक फिल्म मेकिंग की सबसे ज्यादा ऊंचाई छुई। ये वो फिल्म थी जिसको कह सकते हैं पोस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्न फिल्म मेकिंग की बाउंड्री। सब कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और आर्टिस्टिक थी। रेवोल्यूशनरी एडिटिंग एंड सिनेमाटोग्राफी स्टाइल, लेजेंडरी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बाय रे लियोटा, रॉबर्ट डी नीरो, जियो पेस्सी, क्रिएटिव नैरेटिव स्टाइल और फर्स्ट डिटेल फिल्म मेकिंग इन हिस्ट्री, लॉट्स ऑफ अवार्ड्स एंड अप्रिसिएशंस। गैंगस्टर जनरल की ये फिल्म थी एंटागोनिस्ट के प्रोस्पेक्टिव, सोसाइटीज इन्फ्लुएंस, ब्रूटल ट्रूथ को लेके। आज भी बहुत ग्रेटेस्ट फिल्म्स के लिस्ट में इसको एक नंबर ठहरा जाता है। इसको एक नंबर आज भी बहुत ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में इसको नंबर वन कहा जाता है। रिवोल्यूशनरी मूवीज को छोड़ के भी और तीन ऐसी मूवीज है जो कि पर्टिकुलरली इस लिस्ट में आने के हकदार हो सकते हैं। स्टीफन स्पिल्सबर्ग की शिंडलर्स लिस्ट। इस फिल्म को बहुत सारे क्रिटिक्सों ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम का टैग दिया। और फ्रैंक टेराबोंट की द श्वासंक रिडेम्पशन, वन ऑफ द मोस्ट वेल रिव्यूड फिल्म है ये। सत्यजीत रॉय की पथेर पाचाली। मार्टिन स्कोरसेसी ने इस फिल्म को ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम कहा है। इस मूवी को उन्होंने डिस्क्राइब किया, दिस मूवी इज मेड फॉर इंडियंस बाई इंडियंस, नॉट फॉर द कल्चर। और ये चीज़ हम इन मूवीज में देख सकते हैं कि जिन जिन मूवीज़ को मैंने इस लिस्ट में डिस्क्राइब किया, ये सब मूवीज कल्चरल बाइंडिंग्स पे नहीं है। डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने इस फिल्म को अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर करने के लिए लिखा और ये सारी फिल्में रिवोल्यूशनरी साबित हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका सबसे फेवरेट मूवी कौन है। अगर सारी मूवीज आपने देखी है तो कमेंट में मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं अगला वीडियो किस बात पे बनाऊं। सो थैंक यू।